हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई आलोक द्विवेदी आज आप सभी का एडी ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में एक बार और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस स्नेक प्लांट के बारे में बताऊंगा, जिसे सेंसेवेरिया बोला जाता है और नाग प्लांट भी इसे बोला जाता है, नाग पौधा। तो दोस्तों, इसका नाम नाग पौधा इसलिए पड़ा है क्योंकि दोस्तों आप इसकी जो लीव्स देखते हैं, ये थोड़ी कर्व होके, इसकी ये जो लिप्स है ऊपर से कर्व हो जाती है और ये स्नेक की शेप की हो जाती हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में मिलेगी कि आप इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, इसकी सोयल मीडिया कैसी रखनी चाहिए और इसे घना बूस्ट कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नया वीडियो छूटे ना। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियोज़ अपने चैनल पे नहीं डाला था और जो लोग मेरे वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सॉरी, थोड़ी लेट वीडियो आ रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आगे से अच्छी वीडियोस, अच्छे से अच्छे कंटेंट बना के आप तक जल्दी भेजूं। तो दोस्तों, तो इसमें जो इसकी सोयल मीडिया है, मैं फर्स्ट आपको इसकी सोयल मीडिया के बारे में समझा देना चाहता हूं। तो दोस्तों, इसकी जो सोयल मीडिया है, आपको सिंपल गार्डन सोयल 50% रखना है, सैंड 25% एंड 25% कंपोस्ट। तो दोस्तों, ये तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तब आपको प्लांट्स लगाना है। तो दोस्तों, जो सेंड रहेगा रेत, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में जो लाल रेत यूज होता है वहीं सेंड रहेगा हमारा। तो दोस्तों, और इसको लगाने के लिए आप इसे रूट से लगा सकते हैं, आप इसकी लिप्स को यहाँ से कट करके इसे भी आप लगा सकते हैं, ये अच्छे से लग जाता है। और दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारे इस स्नेक प्लांट में ये कितने बर्ड्स मतलब निकल आए हैं, पंप हो गया है। और दोस्तों, ये जो है ये मैंने इसको कटिंग से ही लगाया था, आप देख रहे हैं, इसके थ्रू ये एक नया हमारा स्नेक प्लांट, बेबी स्नेक प्लांट निकल रहा है और इसके पीछे भी ये निकल रहा है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप अगर सोयल मीडिया बढ़िया रखेंगे तो आपके प्लांट्स को कोई हार्म नहीं होगा और आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, सेकेंड टिप्स, सेकेंड बात इसके लिए रही कि हम आइए जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये स्नेक प्लांट हम घर में क्यों लगाते हैं, ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। तो दोस्तों, अधिकतर लोग जानते होंगे कि स्नेक प्लांट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे घरों में हवा आती है, एयर, इस एयर को शुद्ध करता है, हमारे हवा को शुद्ध करता है और बहुत लोग इसे अपने रूम में लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रूम में लगा रहे हैं तो रूम हमारा 10 बाई 12, 12 बाई 10 ऐसे करके रहता है, तो आप कोशिश कीजिएगा इस स्नेक प्लांट के घना प्लांट को 2 से 3 पॉट में करके अपने रूम में लगाइएगा। जब आप सोते हैं तो सोने के समय जो भी आपको एयर मिलता है वो एयर को ये प्यूरीफाई कर देता है। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, आपको हेल्थ केयर में भी ये बहुत फायदा करेगा, जिससे कि हवा को ये शुद्ध कर रहा। और दोस्तों, ये डेकोरेटिव प्लांट में भी है। दोस्तों, आप इसे अपने टेरेस में, अपने बालकोनी में कहीं भी लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट में भी। और दोस्तों, पानी की बात रही तो अभी तो हमारा विंटर चल रहा है, तो इसमें फ्रेंड्स हमें पानी बिल्कुल कम देनी है, बिल्कुल कम, कम से कम आप कोशिश कीजिएगा मंथ में एक बार बहुत ही अच्छे से पानी दे दें, बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ भी ये नॉलेज शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिले। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर